जी तो इस तस्वीर को देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये कहानी किस बारे में है जी ये कहानी स्कूल के बारे में है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग है ये भी स्कूल की है तो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग दिस इज़ माय स्कूल इट हैज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज़ वाइट एंड एरी इट हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले स्पोर्ट्स देयर आर टू गार्डन इन द स्कूल दे ग्रो डिफरेंट प्लांट्स इन द गार्डन एंड स्प्रिंकल वाटर इन द प्ले ग्राउंड my school has a big library there is a librarian who arranges the books there is a computer lab all the students use the computers for their studies my school arranges tours for recreation my school offers scholarship to all talented students all the teachers love us very much they teach us good manners ethics and cleanliness i enjoy studying here now while reading kya वाइल्ड रीडिंग से हमारी मुराद है पढ़ने के दौरान तो लाइब्रेरी क्या होती है लाइब्रेरी स्कूल के अंदर या सेपरेट बिल्डिंग भी हो सकती है या आपके घर के अंदर भी हो सकती है एक ऐसा कमरा स्कूल के अंदर आपके घर के अंदर या समाइम्स एक सेपरेट बिल्डिंग जिसमें सिर्फ किताबें हों आप वहाँ पर एक लाइब्रेरियन होती है वो किताब आपको इशू करती है रिकॉर्ड बनाती है कि किस स्टेट को आपको और किताब दी थी और किस स्टेट पर आपने वो किताब पढ़कर वापस करनी है किताब का ख्याल रखने को कहा जाता है और लाइब्रेरियन ये भी ध्यान रखता है कि किताब से वापस ले और आप किताब खराब मत करें मुझे जरूर बताइएगा स्कूल का क्या नाम है भाई मेरे स्कूल स्कूल का नाम तो पब्लिक है और आपकी फेवरेट टीचर कौन है मेरी फेवरेट टीचर तो मिस आयशा है आप मुझे अपनी टीचर के बारे में भी बताइएगा अब चलते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग पे स्प्रिंकल यानी कि छिड़कना किसी चीज़ के ऊपर छोटे छोटे कतरों से या फिर उसके ज़र्रे हैं जैसे नमक है तो अगर नमक को हम स्प्रिंकल करेंगे तो वो जरात की सूरत में होगा और अगर पानी है तो वो ड्रॉप की सूरत में होगा रिक्रिएशन एक्टिविटी डन फॉर एंजॉयमेंट टैलेंटेड स्किल्ड ब्रिलियंट स्कॉलरशिप ये वजीफा होता है जो बच्चों को पैसों की सूरत में दिया जाता है उनकी तालीम के लिए और उनकी फ़ीस स्कूल पे करता है एथिक्स क्या होते हैं अखलाकियात आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज